नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। भारत के कारण कंगाल हुआ पीसीबी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान ने खुलासा किया कि भारतीय टीम के पाकिस्तान से द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेलने से पीसीबी को 20 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। शहरयार ने कहा कि मैंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में बीसीसीआई प्रतिनिधि को सूचित किया कि भारत के हमारे साथ खेलने से इनकार करने से हमें लगभग 20 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है और ये नुकसान बढ़ रहा है क्योंकि बीसीसीआई 2015 और 2023 के बीच द्विपक्षीय श्रृंखलाएं खेलने के वैधानिक का भी सम्मान नहीं कर रहा। शहरयार ने कहा कि पाकिस्तान को अब बीसीसीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए आईसीसी के नए मसौदे संविधान की पुष्टि होने का इंतजार है जिसे अप्रैल में स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। पीसीबी अध्यक्ष ने लाहौर में कहा कि नए मसौदे संविधान में विवाद समाधान समिति का प्रावधान है और संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद हम बीसीसीआई के खिलाफ अपने मामले को पहले इस समिति के पास ले जाएंगे। शहरयार ने कहा कि बीसीसीआई प्रतिनिधि ने आईसीसी बैठक में उनसे कहा कि भारतीय बोर्ड पाकिस्तान से खेलना चाहता है लेकिन सरकार की स्वीकृति लिए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। पीसीबी अध्यक्ष शहरयार ने कहा कि बीसीसीआई अधिकारी ने कहा कि सरकार से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण एमओयू को स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। शहरयार ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि उन्हें हमारे वकीलों के अनुसार विधिक करार एमओयू पर हस्ताक्षर से पहले अपनी सरकार के बारे में सोचना चाहिए था। मैंने उनसे कहा कि भारत ने हमें दो घरेलू श्रृंखलाओं से वंचित किया है जिससे जुड़ा नुकसान लगभग 20 करोड़ डॉलर है। पीसीबी अध्यक्ष ने साथ ही कहा कि संचालन और वित्तीय मॉडल की बिग थ्री प्रणाली को समाप्त किए जाने के बावजूद भारत को आईसीसी के राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। शहरयार ने कहा कि पाकिस्तान ने बिग थ्री संचालन प्रणाली को खत्म करने के कदम की अगुवाई की और समर्थन में 10 मत जुटाए और भारत ने उम्मीद के मुताबिक इसका विरोध किया। और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में शशिकला को झटका, 4 साल की सजा। कश्मीर में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, कई जवान घायल। भारत को F-16 बेचने पर फिर विचार कर रहा है ट्रंप प्रशासन। भाजपा सांसद ने उद्धव ठाकरे को संपत्ति सार्वजनिक करने की चुनौती दी। और उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्ती से पेश आएगा अमेरिका, ट्रंप।